हेलो दोस्तों, स्वागत है जानकार की एक और नई वीडियो में। सामने आज देख रहे हैं हमारे ग्रैंड विटारा, और ये ग्रैंड विटारा का डेल्टा वेरिएंट है, जो कि टॉप वेरिएंट ही मान लीजिए इसको आप, क्योंकि ये सीएनजी वाला है। पेट्रोल वाले में भी आता है, उसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम भी देखने को मिलता है। और ये टॉप नॉच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी टॉप वाले फीचर ही मिलते हैं। केवल अलॉयज, रूफ रेल्स और सनरूफ को हटा दीजिए, बाकी सब कुछ टॉप नॉच है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस एक्स शोरूम जाता है 13,15,000 रुपये, ऑन रोड डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। और भाई ये कार कहीं ना कहीं फीचर वाइज रिच है, टॉप नॉच वाले फीचर इसमें मिलते हैं, साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें स्पेसिफिकेशन जो आते हैं, और माइलेज की अगर हम बात करें तो ये कार अनबीटेबल है, जिस वजह से ये कार सबसे ज़्यादा बिकती है। और ये स्पेसिफिक वेरिएंट भी सबसे ज़्यादा बिकता है, जो हमारे सामने है डेल्टा वेरिएंट। आज की वीडियो में हम एक एक फीचर्स की बात करेंगे इस कार के बारे में, देखेंगे हमें क्या क्या ऑफर करती है ये 13,15,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस की कीमत पर। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही बोल्ड लुक है फ्रंट से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एग्रेसिव लुक निकल के आता है। और यहाँ पर आपको क्रोम में सुजुकी का लोगो मिलता है, साथ ही क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है ग्रिल के आसपास, पियानो ब्लैक फिनिश में नेक्सा वेव ग्रिल मिलती है। नीचे की ओर देखें तो आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और एक स्किड प्लेट भी मिल जाती है। और यहाँ पर हम लाइटनिंग सेटअप की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट होते हैं भाई। ये जब कार दूर से आ रही होती है तो पता चल जाता है कि नेक्सा का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिस्टल जैसे आइस क्यूब रखे हुए हैं, 3-point DRL लाइट मिल जाती है। यही इंडिकेटर का काम करेगी, यही DRL लाइट का काम करेगी। नीचे की ओर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, जो कि हेलोजन बेस्ड रहने वाला है, सो लो बीम हाई बीम की दिक्कत नहीं है, यही कवर करेगा दोनों काम, बाई फंक्शनल है। और बात करें इस कार के फ्रंट चौड़ाई की तो लगभग 1795 mm की है, बाकी फुल डायमेंशन डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, इधर थोड़ा डार्क है, चलिए उधर से दिखाते हैं आपको। भाई ये कलर वाइट वेरिएंट है, थोड़ा सा येलो लग रहा होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से, बाकी टोटल क्रिस्टल वाइट कलर की ये कार है अभी हमारे सामने। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, बहुत ही मिनिमल सी, जो कि सूट करती है इस कार की प्रोफाइल पर। यहाँ पर हम टायर की बात करें तो अपोलो के टायर मिलते हैं, साथ ही 17 inches के अलॉयज मिलते हैं यहाँ पर। तो टायर प्रोफाइल है 215/60R17 की, और ये न्यूड नहीं, आपको व्हील कवर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि कार के अंदर है। सो आप इन पे कवर जब चढ़ा लेते हैं तो और भी बढ़िया लुक निकल के आता है। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर में आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक सिस्टम मिलता है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है, और फुल सेगमेंट की SUV कार है तो बड़ी भी प्रटेंड होती है देखने में। रोड प्रेजेंस कहीं ना कहीं इस कार की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। ORVM की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, साथ ही टर्न इंडिकेटर लाइट के साथ आते हैं। बॉडी कलर में डोर हैंडल है, रिक्वेस्ट बटन मिलता है को पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड। ऊपर की ओर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, पिलर ए पिलर बी ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको रियर साइड में मिलता है। अब बात करें रियर से लुक की, भाई रियर से इस कार का लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको कनेक्टेड लाइट मिलती है, LED में फुली टेल लैंप का सेटअप है, बीच में सुजुकी का लोगो है, ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर की ओर हम देखें तो यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड ब्रेक लाइट मिलती है, वाशर एंड वाइपर नहीं है, बट यहाँ पर डिफॉगर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिल जाते हैं, साथ ही रिवर्स लाइट मिल जाती है और रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और ये टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। अगर हम आपको जला के दिखाएं तो अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार ये दिखती है, थोड़ा बहुत आपको फील हो रहा होगा क्योंकि अभी फुल डे लाइट कंडीशन है तो थोड़ा सा कम विजिबल होगी, बट नाइट में इस कार का थ्रो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है टेल लैम्प का। चलिए बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। सो बूट स्पेस से पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, और रियर में आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, प्लेसमेंट यहाँ पर रखी गई है, और सिल्वर फिनिश में ही स्किड प्लेट है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिलता है, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओवरऑल रियर से लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। बूट स्पेस की अब बात कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं 473 liter का बूट स्पेस है, और सिलेंडर को यहाँ पर हाइड करके रखा गया है बिल्कुल, तो विजिबल नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको सिलेंडर की प्लेसमेंट मिल जाती है, उसके बावजूद भी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। और ये देखिए टूल किट हेड इन करके रखी गई है, यहाँ पर आपको ट्रंक लाइट मिल जाती है, साथ ही एक 12-volt का चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो यहाँ से भी आप काम अपना ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर एक हुक मिल जाता है। तो बूट स्पेस की बात करें, डिसेंट सा बूट स्पेस है, और स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको नीचे मिलेगा,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट यहाँ पर रखी गई है। सो सिलेंडर की वजह से थोड़ा बहुत बूट स्पेस मैनेज करना पड़ सकता है, बट इसमें फिर भी अच्छा खासा आपको जगह मिल रही है, जिससे कि आप अपने दो मीडियम साइज के ट्रॉली बैग आराम से कैरी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड केबिन की, तो डोर को ओपन करके देखते हैं। ओके, ये देखिए भाई, प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको फील होने वाली है। सॉफ्ट टच यहाँ पर मिल रहा है, डुअल टोन में डोर की थीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉकलेट कलर, कॉफ़ी कलर जैसा कुछ टेक्सचर रखा गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है। क्रोम में डोर हैंडल है, पावर विंडो के कंट्रोल हैं, नीचे की ओर बोतल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट रखी गई है, और सीट का भी कलर वही है डुअल टोन में। यहाँ पर देख सकते हैं चॉकलेट कलर आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर ब्लैक कलर फैब्रिक अपोस्ट्रोफी मिल रही है। साथ ही रिक्लाइन एंगल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये रहे व्हील कवर, जो कि इस कार में आप बाद में लगा सकते हैं। एडजस्टेबल तीन हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, साथ ही आपको आर्म रेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ऑब्वियस ही बात है दो ग्लास होल्डर भी मिलेंगे। ओके, तो ये भी स्टक कर सकते हैं, क्या बात है, यहाँ पर बेल्ट लगी हुई है, तो इसमें दो ग्लास होल्डर, जी हाँ, दो ग्लास होल्डर मिलेंगे आपको। सीट बेल्ट मिल जाती है, ISO फिक्स सेफ्टी माउंट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिटिंग कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, चलिए एक बार बैठ कर भी देख लेते हैं। सो यहाँ से बैठकर देखते हैं। ओके, ये देखिए, अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल रहा है, पैर भी आगे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं, तो लेग रूम के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो रीडिंग लाइट मिलती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ऑटो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। हेडरेस्ट की बात करें, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही जल्दी ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, मतलब कुछ कार में आपने देखा थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आराम से इनको ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं। पीछे की ओर अच्छी खासी पार्सल ट्रे मिल जाती है, तो आप लगेज थोड़ा बहुत बैग वगैरह यहाँ पर भी रख सकते हैं, और कुछ ऐसा लुक रहने वाला है डैशबोर्ड का। बीच में देखें तो AC वेंट है, और नीचे की ओर आपको दो Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB और एक Type-C वाला मिल जाता है, ये देख सकते हैं। बीच में काफ़ी बड़ा सा हम्प आपको मिल रहा है, तो दो से तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। सिटिंग कम्फर्ट टॉप नॉच है, बहुत ही बेहतरीन आपको कंफर्ट फील होने वाला है सेकंड रो में। चलिए अब बात कर लेते हैं फर्स्ट रो की, उसके बाद हम एक चीज़ और दिखा दें यहाँ पर आपको, ये देखिए, तो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती है, ये काफ़ी बढ़िया बात है, एक एडवांटेज है सेफ्टी के मामले में। चलिए अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की ओर। सो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बटन प्रोवाइड कराया जा रहा है, और सभी कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। ORBM के कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है। यहाँ पर आपको सभी पावर विंडो के कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, साथ ही यहाँ पर क्रोम में डोर हैंडल है, सिल्वर ग्लॉसी फिनिश, और वही डुअल टोन में डोर की थीम है। सॉफ्ट टच यहाँ पर भी मिलता है, मैंने बताया ना टॉप नॉच वाले फीचर आपको इस कार में मिलेंगे, सिवाय वही अलॉयज हटा दीजिए, और यहाँ पर आप सनरूफ हटा दीजिए, 360 डिग्री कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी सभी चीज़ें इसमें टॉप नॉच वाली मिलती हैं, जो कि आप आई थिंक मैनेज कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें तो बढ़िया है, और प्राइस भी जस्टिफाई करती है ये कार। दो लीवर मिल रहे हैं यहाँ पर हाइट एडजस्ट करने के लिए और रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के लिए। सीट की क्वालिटी नो डाउट टॉप नॉच है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की सीट आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट, भाई ज़बरदस्त अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, और फिट एंड फाइन की अगर हम बात करें तो भाई काफ़ी बेहतरीन आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है। स्टिचिंग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि धागा इधर उधर हो, एकदम नीट एंड क्लीन काम किया गया है। सो सिटिंग कम्फर्ट आपको बहुत ज़बरदस्त फील होने वाला है। साथ ही नीचे की ओर अगर हम बात करें, तीन पैडल मिलेंगे ABC पैटर्न में, साथ ही एक डेड पैडल भी मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है, और फ्यूलिड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट है, हेडलाइट लेवल एडजस्ट करने के लिए बटन यहाँ पर है, और ये है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। सराउंडिंग क्रोम में रखी गई हैं, AC वेंट यहाँ पर रखे गए हैं, और डैशबोर्ड पूरा ही ब्लैक्ड आउट है। चलिए एक बार बैठकर बात कर लेते हैं और दिखाते हैं क्या। ओके, ये सीट देखिए कितना पीछे तक जाती है, मतलब दो लोग बैठ जाए इतना स्पेस है, बट इतनी की ज़रूरत है नहीं। सो अभी हम बैठ कर देखते हैं और बताते हैं क्या कम्फर्ट है। हाइट की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी हाइट मिल रही है अभी, बाकी और भी आप कर सकते हैं सीट के ऊपर। तो बोनट की विजिबिलिटी प्रॉपर है, कमांडिंग पोजीशन आपको मिल रही है, साथ ही यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील को देख सकते हैं आप। सो एक बार इसको सीधा कर लेते हैं, की अगर डोर में भी ये डोर ओपन है तो की डिटेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा गेट को लगा के दिखाता हूँ आपको। सो अभी आप देख सकते हैं स्टीयरिंग,
सो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच के साथ स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल मिल जाते हैं, म्यूट का भी बटन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, फील स्टेयरिंग की काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिजाइन एलिमेंट मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिल्वर ग्लॉसी फिनिश यूज की गई है, टेलीफोनिक कंट्रोल यहाँ पर है और साथ ही वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर है। और पीछे की ओर देखें, यहाँ पर मिल जाते हैं वॉशर एंड वाइपर के लिए लीवर और यहाँ पर मिल जाता है हेडलाइट के लिए लीवर, साथ ही इंडिकेटर के लिए। बीच में देख सकते हैं क्लस्टर दो डायल मिल रहे हैं आपको, साथ ही यहाँ पर एनालॉग चीज़ें हैं, बीच में MID डिस्प्ले। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो वही स्मार्ट प्रो वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, एंड्रॉयड ऑटो ये सभी चीज़ें आपको सपोर्ट करता है, साथ ही टच फीडबैक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और बिल्कुल भी लैगी नहीं है। इसमें कार की इंफॉर्मेशन लाइक ड्राइविंग रेंज और फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, साथ ही इसमें वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले ये सभी चीज़ें मिलती हैं। बाकी म्यूजिक साउंड आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। और नीचे की ओर आपको AC यूनिट मिल जाता है, डुअल जोन AC मिलता है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन है और फ्यूल कन्वर्टर, सो CNG और फ्यूल यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट मिल जाता है और अच्छा खासा डीप स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप आराम से मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। की मैंने दिखाई नहीं, आई थिंक सो की सिंपल सी ऐसी मिलती है नॉर्मल बॉक्सी वाली लॉक अनलॉक के बटन के साथ। गियर नॉब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेदर गियर नॉब मिल रहा है, 5-speed गियर मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है इस कार में। और ये जो सेंट्रल कंसोल है अच्छा लगता है क्योंकि डुअल टोन में रखा गया है, यही डुअल टोन में डैशबोर्ड की थीम है, यहाँ पर आपको ग्लॉसी सिल्वर फिनिश और वही कॉफ़ी चॉकलेट डार्क चॉकलेट वाली थीम। ग्लोव कंपार्टमेंट में अच्छा खासा स्पेस है, तो अगर आप इस म्यूजिक सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें एक गाइड दी जाती है, ये देखिए स्पेशल इसी के लिए, तो आप इसको पूरा समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कंट्रोल होंगी। फर्स्ट एड किट वगैरह है, डीप स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ओके सो वैनिटी मिरर, ये देखिए वाइजर में वैनिटी मिरर है, ड्राइवर साइड देखें तो ओके ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है दो फ्रंट साइड में और मैनुअल डिमिंग IRVM प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ओवरऑल 3 आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है और फ्रंट में 2 एयरबैग भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साइड की अगर हम बात करें, क्रोम टिप के साथ पार्किंग ब्रेक, अच्छा खासा स्पेस, 2 ग्लास होल्डर और ये देखिए आर्म रेस्ट के नीचे भी स्पेस मिल जाता है डीप सा। अच्छी बात ये है कि आर्म रेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि लेदर रैप्ड है, सॉफ्ट टच वाला है, तो बढ़िया आपको कंफर्ट फील होगा। चलिए स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की और बात कर लेते हैं। सो टॉप वेरिएंट वाले फीचर मैंने कहा है इसमें मिलेंगे, तो वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टिल्ट और टेलीस्कोपिक हाइट और रीच दोनों तरह से आप स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन बात है। चलिए आप कार को स्टार्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं इग्निशन। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में MID डिस्प्ले है जिसमें टाइम, टेम्परेचर और ट्रिप समरी और रेंज वगैरह देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड में जो डायल है उसमें आपको RPM मीटर और CNG मीटर देखने को मिल रहा है, तो कितनी CNG है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज है। तो बीच में डिस्प्ले में भी दिखाता है कि CNG का जो क्वांटिटी है अभी सिलेंडर में कितनी है, फिलहाल में अभी ये पेट्रोल पर है, यहाँ पर ये पेट्रोल भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पर दो डायल मिलते हैं जैसे कि आप ट्रिप डिटेल देख सकते हैं और राइट साइड वाले से आप अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं जैसे कि भाई ड्राइविंग रेंज हो गया, ड्राइविंग बिहेवियर हुआ, मोशन फ्रंट हुआ, टॉर्क असिस्ट, पावर, एक्सेलरेशन, ब्रेक और यहाँ पर आपको मोड रेशियो भी मिल जाता है, कितने देर आपने CNG में चलाई, कितनी देर पेट्रोल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात करें इस कार के कैमरा क्वालिटी की तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रहने वाली है, आराम से आप समझ सकते हैं क्लियर कैमरा है और इसमें आपको गाइडलाइन भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इंटीरियर में यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इंटीरियर इस कार का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही इसका जो साउंड है वो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेक कर लेना, मैं वहाँ पे वीडियो डाल दूंगा। बाकी वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटीरियर में देखने को मिलती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के इंजन यूनिट की। तो यहाँ से आप फोटो को ओपन कर सकते हैं। तो इस कार में जैसे कि मैंने बताया 1.5 लीटर का K15 सीरीज वाला इंजन देखने को मिलता है, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन। सो ओके यहाँ पर रबरिंग की गई है, भाई इतना अच्छा ध्यान रखा है NVH लेवल का कि आवाज़ बिल्कुल ही केबिन में ना जाए इंजन की, क्या बात है। और ये देख सकते हैं बढ़िया,
यहाँ पर डैम्पिंग की गई है, बोनट थोड़ा सा भारी है और ये रहा इंजन यूनिट। 1.5 लीटर का K15 सीरीज वाला इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 87 की और 121 Nm का टॉर्क मिल जाता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो ये माइलेज क्लेम करती है 25-26 का। अच्छे खासे चलाने वाले हैं आप तो इतना माइलेज आप अचीव भी कर सकते हैं क्योंकि CNG में ये पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंजन के बारे में और पावर फिगर काफ़ी डिसेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको न्यू ग्रैंड विटारा में देखने को मिलेंगी। ओके, ये बंद नहीं हुआ है अभी। सो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी हैवी लगती है इस कार की। बाकी सेफ्टी के अंदर सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ABS, CVT और दो एयरबैग मिल जाएंगे आपको। साथ ही डिस्क ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जैसा मैंने बताया इसका प्राइस है 13,15,000 रुपये एक्स शोरूम और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट भी यही है। सो दोस्तों कमेंट करके बताना ये कार आपको कैसी लगी और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू अजमेर नेक्सा जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड कराई। अगर आपको बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाल ही में ये शोरूम नया ओपन हुआ है वैशाली नगर में, तो एक बार विजिट जरूर करिए। यहाँ पर आपको नेक्सा के सभी प्रोडक्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को लेके। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।